फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को गिट पे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए फीसेस पर क्लिक करके आपको ओके पर क्लिक करना होगा एंड्राइड स्टूडियो में। मैं यहाँ पे एंड्राइड स्टूडियो में इसको क्लिक कर दिया। अब मैं फिर क्या करूँगा, जाऊँगा टूल के ऑप्शन पे यहाँ पे, ठीक है, और टूल के साइड में जो गिट है उस पर क्लिक करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, कमिट करूँगा। कमिट क्या करना है, कमिट में आपको लिखना होता है और कौन से फाइल अपलोड करना चाहते हैं वो आपको करना होता है। तो यहाँ पर मैं पूरा फाइल सिलेक्ट कर लूँगा और साथ में साथ मैं यहाँ पे मैं कमेंट भी लिख दूंगा, इसे फ्लटर कंटेनर प्रोजेक्ट कंटेनर ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपको लिखने का मन करे। और उसके बाद से यहाँ पे अनवर्जन जो फाइल है इसमें कितने फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं वो उसको लिख कर कमिट एंड पुश कर दीजिए। जैसे पुश करेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन मांगेगा कि आप कहाँ पर करना चाहते हैं पुश, तो मुझे गिट पर करना है और गिट का लोकेशन क्या उसको भी देना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको टोकन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर टोकन एक्सपायर हो गया होगा तो आपको टोकन बनाना पड़ेगा, नहीं होगा तो आपको, अगर बाई डिफॉल्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं मांगेगा, एक बार अगर लॉगिन होगा तो नहीं मांगेगा। यहाँ पूछ रहे हैं डिफाइन रिमोट, और डिफाइन रिमोट में आपको URL पास करना पड़ेगा जहाँ पे आप अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं जाऊँगा गिट पे, और वहाँ पे गिट पे जाने के बाद से जो गिटहब हमारा है अकाउंट, वहाँ पर जाने के बाद एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, और उस रिपोजिटरी को मैं क्या करूँगा, वो जो URL बनेगा उसको मैं ले आकर यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर न्यू पे जाऊँगा और मैं नया रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा, जैसे फ्लटर प्रोजेक्ट या किसी भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे फ्लटर प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, नहीं तो देने की जरूरत है नहीं। और फिर पब्लिक कर दीजिए, प्राइवेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर क्रिएट रिपोजिटरी क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट रिपोजिटरी हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जो अभी वायरल बना हुआ है ऊपर आप देख रहे हैं उसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद लेयर क्या करेंगे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर आएंगे और URL पेस्ट कर देंगे। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिफाइंड रिमोट किए थे अब आपको आ गया कि कितनी फाइलें आपको जाकर वहाँ पे अपलोड होने वाली है, कितनी फाइलें अपलोड होने वाली है। चाहे हटा सकते हैं चाहे तो आप रख सकते हैं, मैं चाहता हूँ सबको सब अपलोड हो जाए, तो मैं सबको सब अपलोड कर दे रहा हूँ। अब कुछ देर बाद ही दिखेगा आपको, अभी तुरंत नहीं दिखेगा, तभी यहाँ पे देखिए मैं किया हूँ। अब रिफ्रेश तभी नहीं दिखा है, लेकिन अभी कुछ देर बाद करूँगा तो वो मुझे जो प्रोजेक्ट है, जो मेरा पूरा कोड है, वो पूरा गिटहब पे अपलोड हो चुका रहेगा। तभी मैं कुछ देर बाद इसको चेक कर रहा हूँ बैक आने के बाद, तो कुछ देर वेट कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हो गया नहीं। यहाँ से लगभग हो चुका है, कोई दिक्कत यहाँ से एरर नहीं है, लेकिन ये कोड मेरा वहाँ पुश हुआ है कि नहीं हुआ अभी तो आया नहीं है, तो यहाँ मेरे ख्याल से हो चुका है। फिर अभी एक रिफ्रेश करेंगे हम, तो अभी देखिए मैं रिफ्रेश किया और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो लगभग आ चुका है यहाँ पे, फ्लटर प्रोजेक्ट कंटेनर यहाँ देख सकते हैं। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ हमारा देखिए सारा का सारा कोड यहाँ अपलोड हो चुका है। इस तरह क्या कर सकते हैं, फ्लटर प्रोजेक्ट को हम एंड्राइड स्टूडियो में ही गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं।